गाइज, आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो और आपके पास एक कैमरा है। जब भी हम फोटो शूट करते हैं या इमेज कैप्चर करते हैं तब हमें एक प्रॉब्लम आती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है कैमरा मोड। गाइज, किस तरह के होते हैं कैमरा मोड और क्या उनके यूजेस होते हैं, कहाँ आपको कौन सा मोड यूज़ करना है, वो आज हम जानेंगे सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ सैम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर फोटोग्राफी ब्लॉगर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइज, आपको कौन सा मोड कैसे यूज़ करना है, आज हम पूरे डायल मोड यहाँ पे देखने वाले, सीखने वाले, और इसके ऊपर मैं एक आउटडोर में प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास एक कैमरा है और ऑन ऑफ बटन के ऊपर एक कैमरा डायल मोड दिखाई देता है, बेसिकली ये डायल मोड हमें फोटो या अल्फाबेट में दिखाई देता है। दोस्तों, कैमरा मोड देखने से पहले हम जानेंगे एक्सपोजर पैरामीटर क्या होते हैं। तो एक्सपोजर पैरामीटर मींस शटर स्पीड, ISO और एपर्चर। तो डायल मोड हमें कैसे एक्सपोजर पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, वो आज हम जानेंगे और कैसे उनका यूज होता है। गाइज, आप कौन से भी सिचुएशन या इन्वायरमेंट में जब भी शूट करते हैं, हमें अगर मैनुअल मोड यूज़ करना नहीं आता है तो हम ऑटो मोड या ऑटोमेटिक मोड यूज़ करते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा मोड है ऑटो मोड, यानी कि ऑटोमेटिक मोड। इस मोड में कैमरा जो भी इन्वायरमेंट या जो भी सिचुएशन हो इस हिसाब से काम करता है, यानी कि कैमरा अपने आप शटर स्पीड, ISO, एपर्चर, वाइट बैलेंस, जो भी एक्सपोजर पैरामीटर से सेट करके हमें एक अच्छी इमेज देने का प्रयास करता है। इसे हम ऑटो मोड कहते हैं। इस मोड में हमें ओनली जो भी एलिमेंट्स है या सब्जेक्ट है उसे फोकस करना होता है और कैमरा ऑटोमेटिकली वो इमेज हमें कैप्चर कर देता है। मगर इस मोड में दोस्तों कैमरा को ये पता नहीं होता है हमें इमेज कैसी चाहिए, मतलब कि वो एक पोर्ट्रेट पिक्चर शूट कर रहा है या फास्ट मूविंग सब्जेक्ट शूट कर रहा है। ये दोस्तों ये मोड बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, दूसरा मोड है हमारा पी मोड। पी मोड मींस प्रोग्राम मोड। दोस्तों, ये मोड भी सेमी ऑटोमेटिक मोड है, जैसे कि आपने अभी ऑटो मोड देखा वैसे ही ये मोड है। इसमें खाली हमें कुछ चीज़ें हमें खुद से हम सेट कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं या मैन्युअली यूज कर सकते हैं। इस मोड में कैमरा शटर स्पीड और अपर्चर अपने आप चूज कर लेता है और ISO, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर कंपनसेशन बटन हम चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस मोड में हम ऑटो मोड से सेमी ऑटो मोड में आ जाते हैं और इस मोड में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो सीखने के लिए ये बहुत ही अच्छा मोड है, क्योंकि दोस्तों एलिमेंट्स या इमेज आपकी अंडर हो तो इसमें आप ISO मल्टीप्लाई इंटेंसिटी बढ़ा के या कम ज़्यादा करके हम अच्छा एक्सपोजर ला सकते हैं या इमेज अच्छी एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने हमें वाइट बैलेंस चूज़ करने को दिया है। अगर आपके इमेज का कलर टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो हम वाइट बैलेंस में जाके या प्रीसेट वाइट बैलेंस चूज़ करके हम अच्छा इमेज में कलर टोन ला सकते हैं। तो ये है वाइट बैलेंस का यूज़। और तीसरा इन्होंने दिया है एक्सपोजर कंपनसेशन। एक्सपोजर कंपनसेशन बटन में ISO, शटर स्पीड और अपर्चर तीनों को मिला के हम अच्छी इमेज एक्सपोज कर सकते हैं। तो एक्सपोजर कंपोजिशन बटन से हम इमेज को 1/3 हिसाब से ओवर कर सकते हैं या 1/3 हिसाब से हम अंडर कर सकते हैं, यानी कि हम इमेज में या एलिमेंट्स में अच्छा एक्सपोज करने के लिए एक्सपोजर कंपोजिशन बटन चूज कर सकते हैं। तो ये तीन प्रायोरिटी हमें उन्होंने चूज करने के लिए इस मोड में दी गई है, ISO, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर कंपोजिशन। मगर एक है, जो भी कंडीशन हो इसमें अगर आप ज़्यादा ISO बढ़ाते हैं तो आपके एलिमेंट्स या इमेज में नॉइज आना संभव होता है। तो हमें ये बेसिक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, इन पैरामीटर्स का यूज़ करके हम इमेज एक्सपोज कर सकते हैं या हमारे इमेज में अच्छा एक्सपोजर ला सकते हैं। दोस्तों, तीसरा मोड है हमारा सीन मोड। तो दोस्तों, सीन मोड में क्या होता है, जैसे कि हमारा पोर्ट्रेट मोड है, माइक्रो मोड है, लैंडस्केप मोड है या स्पोर्ट्स मोड है, इन सारे मोड इन सीन मोड में होते हैं। जैसे कि हमें किसी का पोर्ट्रेट शूट करना हो, यहाँ पे हम पोर्ट्रेट मोड में जाके पोर्ट्रेट इमेज शूट कर सकते हैं। इसी में दूसरा इन्होंने दिया है माइक्रो मोड। माइक्रो मोड में क्या होता है, एक हम छोटे से या जैसे कि किसी भी फ्लावर का हम नज़दीक से माइक्रो शॉट ले सकते हैं या इमेज शूट कर सकते हैं। इसमें लैंडस्केप मोड भी इन्होंने दिया है। इस मोड में हम किसी भी एक वाइड लैंडस्केप मोड या सीन सिनेरियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों, इस मोड में मोशन ब्लर इमेज भी हम शूट कर सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल का इमेज हो तो इस मोड में हम ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स मोड, जैसे कि हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। इस मोड में ज़्यादातर मूविंग सब्जेक्ट जो होते हैं उनको फ्रीज करने के लिए हम इस मोड का यूज़ करते हैं, या स्पोर्ट्स में जितने भी मूविंग सब्जेक्ट रहते हैं या ऑब्जेक्ट रहते हैं इनको फ्रीज करने के लिए ये मोड यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस सीन मोड में हम किसी भी टाइप की इमेज हमें शूट करनी हो तो हम ये मोड यूज़ करके इमेज शूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा मोड है हमारा AV मोड। AV मीन्स एपर्चर वैल्यू प्रायोरिटी मोड, इसे हम AV मोड कहते हैं। दोस्तों, इस मोड में हमें
अपर्चर सेट करना होता है और कैमरा अपने आप शटर स्पीड ISO सेट कर लेता है या चूज़ कर लेता है। तो ये भी मोड हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी एक टाइप का पोर्ट्रेट शूट करना हो या लैंडस्केप शूट करना हो। पोर्ट्रेट मोड में जैसे हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करने के लिए हम बड़ा अपर्चर यूज़ करके, यानी कि 1.8, 2, 2.2, 2.8 ऐसा अपर्चर यूज़ करके हम इमेज में अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या इमेज ब्लर कर सकते हैं। तो उसी तरह नंबर ऑफ स्मॉल अपर्चर, यानी कि 11, 16, 18 या 22, ये अपर्चर यूज करके हम इमेज में शार्प डेप्थ ऑफ फील्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि लैंडस्केप फोटोग्राफी में ये नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है अपर्चर वैल्यू मोड, इसे हम AV कहते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है पांचवा मोड हमारा TV मोड। TV मोड मीन्स इसे ही हम शटर प्रायोरिटी मोड कहते हैं। तो शटर प्रायोरिटी मोड में हम शटर सेट कर लेते हैं और अपर्चर ISO कैमरा अपने आप चूज कर लेता है। जैसे कि हम इस मोड से फ्रीज ऑफ मोशन, यानी कि हम किसी भी मोशन या मूविंग सब्जेक्ट को हम फ्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ शटर स्पीड चूज करके, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, ये नंबर यूज करके हम सब्जेक्ट में मूविंग फ्रीज कर सकते हैं। और नाइट मोड में जैसे हम कम सेकंड ऑफ नंबर यूज करके, यानी कि 4, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, इन शटर स्पीड नंबर का यूज़ करके हम लाइट इमेज शूट कर सकते हैं या हम इमेज में मोशन ला सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजिक फोटोग्राफी, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं नाइट मोड में यूज़ करके इमेज शूट करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पे, वो है मैनुअल मोड। ज़्यादातर ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। दोस्तों इस मोड में हमें एक्सपोजर पैरामीटर्स यूज़ करके हम अच्छी इमेज शूट कर सकते हैं जैसी चाहिए वैसी, यानी कि शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, पिक्चर स्टाइल, वाइट बैलेंस, फोकस पॉइंट, जो भी हमें इंपॉर्टेंट बटन की ज़रूरत होती है वो यूज़ करके हम अच्छी इमेज शूट कर सकते हैं। लैंडस्केप इमेज शूट करनी हो, पोर्ट्रेट इमेज शूट करनी हो या स्पोर्ट्स इमेज शूट करनी हो, तो इस मोड में हम जैसा चाहिए वैसा हम मैनुअल यूज़ करके या चूज़ करके इमेज शूट कर सकते हैं। दोस्तों इस मोड में हमें अगर शटर स्पीड की ज़रूरत हो तो हम शटर स्पीड अच्छा कम ज़्यादा करके इमेज शूट कर सकते हैं। अपर्चर कम ज़्यादा करके हम इमेज में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या शार्प फोकस चूज़ कर सकते हैं। हम लाइट इंटेंसिटी ISO से बढ़ा सकते हैं, पिक्चर सेल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी वाइट बैलेंस है वाइट बैलेंस के हिसाब से हम अच्छा वाइट बैलेंस चूज़ करके या कैलरी मोड यूज़ करके हम अच्छा वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैनुअल मोड में हमें सब कुछ सारा सेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी इमेज हमें शूट करनी है या जो भी एनवायरनमेंट है या जो भी सिचुएशन है वो हिसाब से हम इमेज में एक्सपोजर ला सकते हैं या अच्छी इमेज शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे डायल मोड्स का यूज़ करके आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं या आपके एलिमेंट्स में अच्छा एक्सपोजर ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक चीज़ हमें समझनी है, कैमरा एक सिस्टम है या कैमरा एक मशीन है। जैसे ही आप कैमरा को कमांड देंगे वैसे ही कैमरा काम करेगा। अगर आप मैनुअल मोड यूज़ करेंगे तो हमें वो मैनुअली यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ऑटो कमांड यूज़ करेंगे तो कैमरा अपने आप जो भी है वो हिसाब से हमें अच्छे इमेज देने का प्रयास करेगा। अगर किसी भी इन्वायरमेंट में या सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता हो तो आप ऑटो मोड यूज़ कर सकते हैं या सीन मोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया एक मोड है, वो आप यूज़ करके किसी भी प्रकार की इमेज आप शूट कर सकते हैं या अच्छी आपकी इमेज एक्सपोज कर सकते हैं, तो वो है सीक्रेट मोड, पी मोड। ज़्यादातर ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको पी मोड से अच्छे आप इमेज शूट कर सकते हैं। दोस्तों ये सीखने के लिए भी अच्छा मोड है, इनमें आप ऑटो मोड से प्रोग्राम मोड में आप सीख सकते हैं और ऐसा ऐसा सब मोड यूज़ करके जैसे जैसे आपके इमेज में इम्प्रूव आएगा वैसे आप मैनुअल मोड में शिफ्ट होकर अच्छे प्रो लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे आप शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कैमरे डायल मोड, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और आपको दिखाया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आऊँगा और सीक्रेट्स लेके आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।